ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। तो भक्त, जब तंत्र की रचना हो रही थी तो उस वक्त षठ कर्मों की रचना हुई थी। षठ कर्मों में हमारे आते हैं विदेशन, मारण, उच्चाटन, स्तंभन, शांतिकरण और वशीकरण। तो सबसे प्रथम जो कर्म है वो है वशीकरण। तो इसी संदर्भ में भगवान शिव ने माँ पार्वती को एक ऐसा अचूक मंत्र बताया था जो कि कलयुग में अपार शक्ति से युक्त होगा। जो भी साधक इस तंत्र को आजमाएगा उसे निराशा हाथ नहीं लगेगी। ऐसे कुछ गिने चुने ही मंत्र हैं मेरे पास जो कि अचूक हों, और मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी कलेक्शन बनाऊँ जिसमें कि मेरे पास सारे अचूक मंत्र हों। तो ये एक ऐसा तंत्र है जिससे कि आप किसी को भी पलक झपकते ही अपने वश में कर सकते हैं, अपने अनुकूल कर सकते हैं। ये विद्या बहुत प्राचीन है। जब हमारे यहाँ पर षटकर्मों का ज्ञान दिया जाता था हर किसी को, उस वक्त की बात है, और जब भगवान शिव तंत्र की रचना कर रहे थे उस वक्त इसकी रचना हुई थी। तो ये जो तंत्र है, इस तंत्र को करने के लिए वार, नक्षत्र और मूल, इन सबको देख कर चलना होता है। सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि एक औषध ढूंढनी पड़ेगी, काला धतूरा। अगर काला धतूरा आपके पास है तभी आप इस कर्म को कर सकते हैं। तो वशीकरण के इस छोटे से कर्म को करने के लिए आपको एक काला धतूरा ढूंढना पड़ेगा, चाहे वो कहीं पर भी हो, या फिर एक काला धतूरा अपने घर में लगाएं। जब तक वो बड़ा ना हो जाए और उसके फूल पत्ते ना आ जाए तब तक उसको रहने दीजिए। जब आप देखें कि उस पर फूल पत्ते आ गए हैं और पुष्य नक्षत्र हो, उसमें उस काले धतूरे के फूल तोड़कर अपने पास कहीं रख लीजिए। जब भरणी नक्षत्र आए तब उसके फल ले लीजिए, और जब विशाखा आए तो उसकी एक शाखा ले लीजिए। हस्त में पत्ते और मूल में जड़, इन सबको जो है आपको इकट्ठा करना है और एक जगह पर रख देना है। अब इससे होगा क्या कि इसके बाद आप जो हैं एक ऐसी रसायन बना लेंगे जिससे कि आप किसी को भी अपने अनुकूल कर सकते हैं। इस क्रम को करने के लिए आपको, जैसे मैंने बताया, इसी क्रम में आपको वो सारा कुछ जो है इकट्ठा करना है। उसके बाद इसमें कुमकुम और गुरोचन मिलाकर, इसका जब भी आप कहीं जाएं या फिर कोई भी आपका ऐसा काम हो जहां पर आपको लोगों पर अपना प्रभाव डालना हो या किसी को अपने अनुकूल करना हो, तब ये तिलक लगाकर आप उनके सामने जा सकते हैं। और उसके बाद जो भी आपको देखेगा उस पर आपका जो प्रभाव वो इतना होगा कि आपके सामने कोई बोल ही नहीं पाएगा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही वो करेगा। तो ये मूलतः स्त्री वशीकरण है। अगर किसी स्त्री को वश में करना हो तो ये कीजिएगा, तो 100% इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी आए तो मुझे कॉल कीजिएगा 999-284-1625 पर। मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो तंत्र है ये कितना कारगर है। तो जब भी आप करें या इसकी शुरुआत करें तो एक बार मुझसे कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। जब भी आप कोई चीज़ या कोई मंत्र या फिर कोई भी कर्म गुरुमुख से लेते हैं तो वो सिद्धिदायक होता है। और अगर आप इन चीज़ों में अरुचि रखकर, इसमें विश्वास ना रखकर करते हैं तो इसे असत कहा जाएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अगर आप कोई भी धर्म का कार्य अरुचि रखकर करते हैं या फिर उसमें विश्वास नहीं रखते तो वो अधर्म का काम हो जाता है। आपको इसमें सबसे पहले तो विश्वास जगाना है कि ये जो चीज़ है ये आप ही के लिए बनी है और ये अपना काम ज़रूर करेगी। ऐसा सोचकर इस कर्म को कीजिए, और उसके बाद वो दिन दूर नहीं जब आप मेरे पास आएंगे इस कर्म को लेकर कि हाँ, इसने मेरे लिए काम किया। बहुत से साधक आते हैं जो काम कर लेते हैं, और बहुत से साधक होते हैं जिनका काम नहीं होता, लेकिन इसको सफल वही कर पाते हैं जिनमें दृढ़ संकल्प होता है। अगर सिर्फ देखने के लिए आप करोगे तो इसमें आपको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, लेकिन इसको एक वरदान की तरह आप लेकर चलोगे और एक ऐसी इसको भगवान शिव की वाणी ही मानकर अगर आप चलेंगे तो आपको इसमें ज़रूर लाभ मिलेगा। किसी भी तरह की दिक्कत के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं कभी भी 999-284-1625। थैंक यू।